कॉम्पोजिट कल्चर तो इंडिया का जो हेरिटेज है जो कल्चर है वो बहुत ही बड़ा है फिलिंग द ब्लैंक्स विध एप्रोप्रिएट वर्ड्स यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको फिल करना है जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से फ्रॉम द ऑप्शन गिवेन एट द बॉटम टेक हेल्प फ्रॉम नीड हेल्प गिवन बिलो So, need help में से हमें जो है आंसर को ढूंढना है और यहाँ पे फिल करना है सो यर द फर्स्ट वन इज डे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो कौन थे तो चलिए ढूंढते कहाँ गए फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सो लेट्स राइट इट य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाउ द सेकंड इज डैश वाज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का इंडिया का सो लेट्स फाइंड आउट कौन था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यस इट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू समया क्या लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड इंडिया के लोगों को क्या बुलाया जाता है इंडियंस इट इज Indians. Next, dash is the most widely spoken language of India. India में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौनसी है? So here it is, Hindi. सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है इंडिया में. So it is Hindi. So similarly, children, I am reading the questions. You have to find out the answers. So the oldest Indian text.

तो यहाँ पे हमारा जो नेशनल एम्बल है उस पर ये लिखा हुआ है तो uh, uh, एक चीज लिखी हुई है जिसका मीनिंग है alone, alone, तो कौन सी चीज है जो हमारे नेशनल एम्बल पे लिखी हुई है डैश इज द कैपिटल ऑफ आर कंट्री हमारी कंट्री का कैपिटल है इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया को आजादी मिली थी ब्रिटिश रूल से दैटेन ऑफ इंडिया इंडिया की करेंसी है जिससे आप सामान को खरीदते हो देकर शॉपकीपर को देते हैं तब आपको वो सामान देता है नेक्स्ट इज अशनल हमारा नेशनल कौन सा है जो आप स्कूल में डेली गाते हो सो चिल्ड्रन आई होप यू हैव लर्न अबाउट आर मदरलैंड एंड यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। सो कंप्लीट द गिवन क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द ऑप्शंस फ्रॉम हियर